नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई आज मैं गया था इंदौर के कबूतर बाजार। वैसे तो मैं हर संडे को जाता हूँ, मगर आज एक कालू आज मैं अपने लिए कबूतर खरीदने गया था। और कबूतर भाई एक ललसरा कबूतर ही पसंद आया। उसके साथ जो मादी लगी हुई है वो ललसरे कबूतर के साथ में वो देना चाहता था, और इसी कारण से मैं 900 रुपये का जोड़ा खरीद कर लाया। भाई थोड़ा मादी में दम नहीं है उतना, आपको मैं दिखाता हूँ, शौक कराता हूँ। बाकी कबूतर मेरे को मस्त लगा इसलिए मैं लेके आया हूँ। और ये आप देख सकते हैं, कालू को नाराज़ भी रहता है ये। सुबह से शाम तक मैं इसके संपर्क में नहीं आता, और जैसे ही आता हूँ तो ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कालू को छोड़ दिया। चलो कालू, कालू बेटा, चलो चलो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कालू मेरे बिना रहता नहीं है, क्योंकि दिन भर तो मैं इसके संपर्क में रहता नहीं हूँ, इससे दूर रहता हूँ। और जैसे ही मैं आता हूँ तो ये मेरे को छोड़ता नहीं है। तो चलो ठीक है, अपन अनबॉक्सिंग करते हैं कबूतरों की। और एक समीर को भी मैंने दिलाया है, बच्चा ही है, समीर भी गया था मेरे साथ, तो मैं दिखाता हूँ, उसकी भी कहानी बताऊँगा, कहाँ से लाया, क्या किया। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि मैं कबूतर लाया हूँ और इस बक्से में है कबूतर, तो हम इसे खोलते हैं। ज़्यादा पैकिंग नहीं की थी क्योंकि हम पकड़ने वाले भी 2 जने थे। और ये टेप को मैं निकाल लेता हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कबूतर लाया। तो भाई 1 मिनट, ये बंद कर दो अभी। ये देखिए, ये समीर के लिए एक बच्चा खरीदा है, और उसे बच्चा पालने का, उसे कालू की तरह हाथ पे लगाने का बहुत शौक है। ये कलाक बच्चा है, आप देख सकते हैं उसकी आँख, और कलदुम्बा है। और ये अभी मतलब थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है। और इसकी कहानी बताऊँ तो एक हमारे ही उस्ताद थे, उन्होंने इसको देखते से ही, क्योंकि वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और वीडियो वीडियो देखते रहते हैं, तो उन्होंने इसको दे दिया, सस्ते भाव में ही दे दिया। अच्छा बच्चा है, उड़ने वाली नस्ल का है, अभी भी उड़ता है, वो काफ़ी उड़ता है। और भाई इसमें आपको मैं अपने कबूतर दिखाऊंगा, आप शौक कीजिएगा। कबूतर की क्वालिटी देखिए भाई दोस्तों, अभी आप तो कबूतर बाजो, आपको क्या दिखाऊं, मगर अभी ये कार्टून के अंदर है, बक्से के अंदर। और ये देखिए नर की क्वालिटी देखिए आप, और उसके पाँव में छल्ले भी पहना रखे हैं। ये देखिए आप नर की क्वालिटी देखिए, और मादिन की क्वालिटी तो उतनी विशेष नहीं है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं नर को देख के ही लाया हूँ, अभी इसको मैंने अनबॉक्सिंग किया है, और ये नर की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, अभी मेरे पास मोबाइल भी, मेरे को ही पकड़ना पड़ेगा आपको, मैं नर का शौक करा देता हूँ। ये आँख का शौक कीजिए दोस्तों, और आपको पल्ले का भी शौक कराऊँगा। 1 मिनट समीर, पकड़ो इधर की साइड, आप ढंग से दिखना चाहिए, दिख रहा है? 1 मिनट, तो आप इसके पल्ले को देख सकते हैं भाई, लाजवाब। और ये पर को तलवार पर बोलते हैं भाई, ये देखिए पूरा पर देखिए। और इसमें एक में शायद टेप लगी हुई है, और आपको मैं उसको उसकी चोंच दिखाता हूँ, छोटी चोंच का है ललसरा, बिल्कुल छोटी चोंच का। आँख का शौक कीजिए, और जैसी चोंच है वैसे ही नाखून हो रहे हैं भाई, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप उसका वजूद देखिए, उसकी खड़ाक देखिए भाई, जो नर है उसकी खड़ाक देखिए, उसका वजूद देखिए। अब मैं आपको मादिन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मादिन में उतना कोई विशेष है नहीं, बस लगी हुई है उसके साथ। अरे अरे भाई, एक हाथ से पकड़ना भी मुश्किल होता है। पकड़ो मोबाइल, तो भाई इसकी आग देखिए, ये थोड़ी बड़ी चोंच की है। अरे ये देखिए, आग का शौक कीजिए, ये थोड़ी हल्की सी बड़ी चोंच की है, और पर कैच करे हुए हैं, बाकी ठीक है।
और ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको छोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला जोड़ा मैं आज लेके आया हूँ, और कबूतर का वजूद अच्छा है, कबूतर अच्छा है, इसीलिए मैंने मादिन की। तो अब आप हालत देख सकते हैं कि खड़ाक भी ठीक है, उसकी भी ठीक है, बाकी उसके थोड़े पर खींचे हुए हैं पीछे पूँछ वूँछ भी। अब अपने को नहीं मालूम कि क्यों खींच दिए। और नर को आप शौक कीजिए, ये भाई 900 रुपये का लेके आया हूँ मैं, और आप देख सकते हैं जोड़ा। अब वो अनजानी जगह पे, अभी इन्हें लाफ्ट में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनकी दवाइयाँ करना पड़ेंगी, और इनका जो भी है ट्रीटमेंट करूँगा। कम से कम 3 से 4 दिन उनको अभी अपने कबूतरों के साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इनमें अगर कोई बीमारी हुई, अगर कोई दड़बे में इनके जहाँ से आए हैं वहाँ अगर कोई बीमारी हुई, तो वो बीमारी मेरे कबूतरों को बीमार कर देगी। और मैं अपने कबूतरों की दवाइयाँ दिखा देता हूँ आपको कि मेरे पास ना, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दवाइयाँ, सब आपको दवाइयाँ दिखेंगी। ये मेरे कबूतरों की जो भी दवाइयाँ हैं मैं सब अपने ही कमरे में रखता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और मैं सारी चीज़ें अपने कबूतरों से रिलेटिव मैं अपने ही कमरे में रखता हूँ। आपको दिखा दूँ कि ये मेरे कालू का पिंजरा है, मैं कालू के पिंजरे पे वो पीला वाला जो रुमाल पड़ा वो ढक देता हूँ, क्योंकि ये लाइट का उजाला नहीं है। और मेरे कालू कालू भी मेरे पास ही है, तो वो कालू को मैं छोड़ूंगा तो वो कालू उनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो अभी वो देखो कैसा वाइब्रेट कर रहा है और बार बार उनको देख रहा है कि ये कौन से नए प्राणी, कौन से परिंदे आ गए। ये अपना कालू है भाई, कालू को अपन एक बार फिर से पिंजरे में डालते हैं, रहेगा कि नहीं आप देख सकते हो। चलो बेटा कालू, अब वो नए कबूतरों को देखकर थोड़ा हैरान है, मगर हाथ देता हूँ, चलो कालू बेटा, चलो आ जाओ। हे कालू, शायद उसको दाने वाने मिल गए हैं, चलो कालू। हे बेटा चलो कालू, हे चलो आओ, चलो आ जाओ, चलो कालू चलो। तो दोस्तों ये ना कोई एडिटिंग है इस वीडियो में, अभी आप देख ही रहे हैं कि ये मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हाथ पे लगा रहा हूँ। ये मेरा कालू है और मैं इससे बहुत ज़्यादा लगा चुका हूँ, प्यार करता हूँ इससे, क्योंकि ये मेरा कालू है और मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी बात मानता है, कभी नाराज़ हो जाता है मेरे को देखते से ही, कभी तो फड़फड़ाने लगता है। घर में और भी बहुत जने रहते हैं, मगर वो सिर्फ मेरे को ही पहचानता है ज़्यादातर। और आपको मैंने कबूतर दिखा दिए, तो भाई ठीक है, आपको कबूतर अगर पसंद आए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और अच्छे हैं कि नहीं, बुरे भी हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कमेंट सर आँखों पे। क्योंकि ये मादिन जो दिख रही है मुझे, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, इसकी दवाइयाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए नर का जो वजूद है और उस हिसाब से हल्की मादी मादिन में थोड़ा मेरे को लग रहा है कि इसकी सुस्ती है, बाकी तो बढ़िया है। और ये तो बच्चा है, इसका क्या बताऊँ, ये अपने एक पहचान के उस्ताद मिल गए थे तो उन्होंने बताया कि भाई ये बच्चे को आपने कबूतर गिफ्ट किए थे, ये वही बच्चा है, और बातचीत हो गई तो ठीक है, उन्होंने दे दिया था बच्चा। और ये जोड़ा था आज का मेरा वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कबूतर पसंद आए या ना, नहीं भी आया हो तो भी मेरे को बताना मेरी क्या कमी है उसमें, क्या मतलब मेरी गलती हुई पसंद करने में, अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं बराबर आपको उसका जवाब दूंगा, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।